अस्सलाम नाज़रीन, आई एम रिजवान शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिजवान शाह व्लॉग्स। अदर नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक अपने मोहल्ले की जामे मस्जिद में, जहाँ मैंने जो है वो जहर की नमाज़ अदा की है। मैं निकला था जनाब शॉपिंग के लिए, मार्केट जाना था, तो जहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो बच्चों को लेकर मैं साथ निकला। तो मैंने सोचा चलो नमाज बजाय घर में पढ़ने की मस्जिद में पढ़ लेते हैं। तो नमाज तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो ख्याल आया कि क्यों ना आपको जनाब एक फैक्ट जो तुर्की की जनाब मस्जिदों के बारे में है वो बड़ा ही दिलचस्प है, आपसे क्यों ना वो शेयर किया जाए। तो जनाब चलते हैं, आपको जनाब अपने इस मोहल्ले की मस्जिद का जो है वो विजिट भी कराते हैं और आपको वो दिलचस्प फैक्ट भी बताते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो आप देखें जनाब, बच्चे मेरे साथ आए थे, तो बच्चों ने जो अपना जो उनका एक फितरी तकाजा है कि उन्होंने तो जनाब जहाँ जाना है उन्होंने अपना माहौल बनाना है खेल कूद का, तो मस्जिद में जनाब उनको ये वसी और खुला मैदान मिला हुआ, नरम और नाजक जनाब कालीन वाला फ़र्श, तो वो जनाब अपना खेल कूद में लगे हुए हैं। ये देखें जनाब कैसा हड़दुम मचा हुआ है उन्होंने, ये जो नमाजियों के स्टूल हैं बैठ के नमाज़ पढ़ने वाले, तो उन्होंने जनाब यहाँ पर ला के सारे इकट्ठे कर लिए हैं और इस वक्त वो खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने इनको वक्त दे दिया, चलो मैंने सोचा इतनी देर में आपको जो है वो आपसे एक व्लॉग बना लिया जाए मस्जिद के बारे में। तो सबसे पहले तो जनाब आप ये देखें जनाब ये सिस्टम, ये इनका ये सिस्टम है जनाब, एक लाउड स्पीकर का जो सिस्टम है डिजिटल, ये वो है जनाब जो वहाँ की जो अजान है तुर्की की, पूरे तुर्की की मस्जिदों में वो जनाब रिकॉर्डिंग्स पे होती हैं। यहाँ पे कोई जनाब मौजन जो है वो अजान नहीं देता, रिकॉर्डिंग जनाब इन्होंने सिस्टम पे लगा रखी है, जो अपने टाइम के ऊपर जो है वो अजान वो पढ़ देता है वो सिस्टम। ये देखें यहाँ पे एक नमाज का जो है वो एक शेड्यूल लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बता दूँ सिर्फ यहाँ पे अजान का टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है, नमाज का टाइम पाकिस्तान में अमूमन नमाज का जिस जितने बज के जितने मिनट नमाज खड़ी होने होती है उसका टाइम मेंशन किया, यहाँ पे अजान है। अगर अब ये देखें ये जोहर की नमाज 12:53 पर होती है, तो जब यहाँ पर डिपेंड करता है कि जब इमाम ने अपनी सुनते मुकम्मल करनी है उस वक्त जमात खड़ी हो जाएगी। उसके बाद जनाब ये देखें ये यहाँ पे ये इमाम का ये हुजरा है, ये ऑफिस है जो मस्जिद के एक एक कोने में बना होता है, तो इसमें उसका जिब्बा और वो इमामा वगैरह जो होता है वो दूल्हा वाला तो इमाम आता है वो पहनता है इमाम। और ये देखें जनाब मस्जिद देखें कितनी लग्जरी है, खूबसूरत है बड़ी जनाब। यहाँ पर मस्जिदों पर बड़ा ख़र्चा किया जाता है, ये देखें जनाब बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े जम्बो साइज़ फानूस लगाए हुए हैं। ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है और बड़ी जनाब तजीन आरइश वाली मस्जिद है। तुर्की की तमाम मस्जिदें ऐसी होती हैं बल्कि इससे बढ़कर ही होती हैं, लेकिन जो अफसोसनाक फैक्ट ये है कि नमाजी बहुत कम होते हैं, जो होते हैं वो बस बूढ़े होते हैं जिनकी टांगें जो वो कब्र में होती हैं। ये देखें यहाँ पे और यहाँ तुर्की की मस्जिदों की जो होती है ना जनाब डिज़ाइन, वो तकरीबन इस पूरे तुर्की में एक सा डिज़ाइन ही रहा है। गुंबद बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, इस मस्जिद के जो गुंबद हैं वो 12 गुंबद हैं जो मैंने गिने हैं। तो अमूमन जो है यहाँ पे 12, 15 और 21 तक जो है वो फर्मोश होते हैं, तो सबसे बड़ी मस्जिद के जो गुंबद है वो 21 होते हैं। ये देखिए सामने ये वो मेहराब बना हुआ है और ये जनाब आपको दिखाऊँ ये डाइस है इमाम का, जुमे वाले दिन जनाब इमाम यहाँ पर खड़ा होकर खुतबा देता है, खड़ा होकर नहीं बैठ कर। ये देखें ये खूबसूरत डाइस है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर यहाँ पे इमाम खुतबा देता है वाज करता है। ये जनाब मेहराब है इमाम का और ये है जनाब मिंबर, और मिंबर जो है ये जो मस्जिद नबवी में जो रियाज़ुल जिन्ना के मुकाम पर जो हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो मिंबर था बना हुआ जैसा, तो ये पूरे तुर्की की मस्जिदों में बिल्कुल इसी तरह का जो है वो मिंबर बनाया जाता है। ये देखें ये इसका यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, सीढ़ी हैं और यहाँ से इमाम जाता है और वहाँ खड़ा हो गया जनाब ये जो है वो खुतबा पढ़ता है। अच्छा एक फैक्ट और, जो यहाँ के जो इमाम होते हैं उनकी दाढ़ियाँ नहीं होती। आप पूरे तुर्की में जनाब विज़िट कर लें, हर मस्जिद में या हर मस्जिद का दौरा कर लें छोटी से बड़ी, आप किसी इमाम की दाढ़ी नहीं देखें, क्लीन शेव होगा। अगर किसी की हुई भी जितनी आप मेरी देख रहे हैं ना इससे आधी होती है बस, वैसे नज़र आता है जैसे शेव बड़ी हुई है। तो यहाँ पर दाढ़ियों का बिल्कुल जो है वो रिवाज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इमाम होते हैं वो इमाम भी गवर्नमेंट के होते हैं, तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। और मैंने तो ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी इमाम ने दाढ़ी रखनी है तो वो गवर्नमेंट को कि नोटिस में लाए कि मैंने दाढ़ी बढ़ानी है। तो लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा इमाम देखा नहीं है जनाब जिसकी जनाब दाढ़ी वो पूरी हो, सुनते सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर किसी को एतराज़ भी नहीं होता बिल्कुल भी, ये मामूल की बात है। तो जो मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश आया होगा जहाँ पे आपको पता है कि दाढ़ी पे के बगैर इमाम उसको रखना मस्जिद में मुमकिन है ही नहीं, इमाम से दूर की बात है, किसी की दाढ़ी ना हो तो वो अजान नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे जनाब ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर इल्म होने के बावजूद ये नहीं कि यहाँ पे दाढ़ी का किसी को इल्म नहीं है, पता नहीं है कि दाढ़ी की हैसियत
क्या है शरीयत में, दीन में, तो इस ये भी बात नहीं है, सब पता है। बस पे जो यहाँ पे जो सबसे मुकदम चीज़ है, यहाँ जो सबसे जो मुकदम चीज़ मोतबर चीज़ जो समझ जाती है मज़हब से भी ऊपर, ठीक है, वो है जनाब यहाँ का जमहूरियत। जमहूरियत को एक इबादत की तरह समझते हैं, और दूसरा नंबर यहाँ पे जो है मज़हब का है। इसीलिए जनाब यहाँ पे जो है मज़हब है, और बहुत सारी जो ऐसी सुनते हैं जिनका कम से कम ज़ाहरी तौर पे जो कि शायर इस्लाम में आती हैं, जिनमें एक दाढ़ी भी है, तो उसकी बिल्कुल भी जनाब कोई कदर व कीमत नहीं है। ये तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जनाब। उसके अलावा जनाब गो के मस्जिद में जो है वो एक मौज़िन और एक इमाम होता है जो कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। जो इमाम होता है जनाब वो वहाँ पर खड़ा होकर इमामत करता है, लेकिन जो तकबीर पीछे पड़ी जाती है जमात खड़ी होने की, वो जनाब ये देखें, ये एक मस्जिद के अंदर एक और डेढ़ इंच की मस्जिद जिसको आप कह सकते हैं, ये जो एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, ये जंगला लगाया हुआ है इस एरिया में जनाब, ये है मौज़िन का एरिया जिसने इकामत पढ़नी है। वो जो इकामत है जनाब, वो इकामत पढ़ने वाला मौज़िन यहीं पर खड़ा होकर इकामत करेगा, ठीक है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो इकामत होती है वो बिल्कुल इमाम के पीछे बंदा खड़ा होता है, उसने वहीं पे खड़े होकर इकामत कहनी होती है। तो कोई भी कह सकता है, जिस जो भी पहल कर ले वो इकामत कह देता है। लेकिन यहाँ पर जनाब नमाजी कम होने की एक और वजह यह भी है कि यहाँ पर नमाज का जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, क्योंकि नमाज के बाद के जो जिक्र अज़कार हैं वो नमाज से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। वो यानी कि जो मौज़िन जनाब जिसने जनाब नमाज की कमत कहनी है, फिर उसी की जिम्मेदारी है कि नमाज के जो बाद के अज़कार हैं वो भी जनाब उसी ने करने आया था, यानी कि उसी ने जनाब जो तस्बीहात फातिमा वही उसी ने कहनी है, उसी ने वही पढ़नी है जनाब। तो उसको फॉलो करते हुए जनाब सिर्फ सब तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी आयतुल कुर्सी पढ़नी है उसी की इमामत में पढ़नी है। जो असल इमाम है नमाज का, उसकी वजह से नमाज ही होती है, जो बाकी जो जितने अज़कार हैं वो इमाम के पीछे होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जो राज थी वो जनाब यहाँ की थी तस्बीह, हर मस्जिद में जो है वो तुर्की की हर मस्जिद में तस्बीहें बहुत हैं, यानी कि तस्बीहों के ऊपर जो है जिक्र किया जाता है। ये देखिए एक अच्छा ही पड़ा है, ये तो कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है वो तस्बीहें जब कोरोना आया था तो तस्बीहें उठा दी गई थी, तो कोरोना के फैलने के खदशे के लिए पूरी तुर्की से, तो उसके बाद जो है तस्बीहों का रुझान कम हो गया, वरना जनाब हज़ारों तस्बीहें जो है वो हर मस्जिद में होती थी, ये पिलर्स के साथ लटकी हुई होती थी, स्टैंड्स के साथ लटकी हुई होती थी। तो जब नमाज होती थी तो हर बंदा जो है वो तस्बीहें जो है एक दूसरे को वो शेयर कर जाता था, अगर कोई तस्बीह की पहुंच से दूर बैठा तो बड़े उसको बड़ी ज़िम्मेदारी समझते थे कि अगर किसी के पास तस्बीह नहीं है तो उसको तस्बीह देते। जैसे पाकिस्तान में मस्जिदों में अगर किसी की टोपी नहीं पहनी होती वो खजूर की छाल वाली, तो लोग जनाब उसको ऑफर करते भाई टोपी पहन लो। तो इसी तरह यहाँ पर ये रिवाज था, तो ये बड़ा ही जनाब एक दिलचस्प फैक्ट है, मैंने सोचा आपको ये बता दिया जाए। तो अगर आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया हो तो जनाब वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।